दीजिए नाउ वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक. इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, शी इज़ अ डेंटिस्ट. और अक्सर हमने घरों में देखा है कि दांतों की भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता. जब हमारी वर्स्ट कंडीशन होती है तब हम जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं. तो कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो क्योर किस तरह से किया जाता है. बहुत सारे घरों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं. किसी को कोई कौन से डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा होता है, कभी कोई खुद ही घर में डॉक्टर्स बन जाते हैं. तो हमें बेसिकली करना क्या चाहिए जब इस तरह के दांतों के इश्यूज़ आते हैं, उसके लिए हमने बुलाया, हमने दावत दी अपने मेहमान को. तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सबा इम्तियाज़. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और ये बहुत ही एक मामूली सा सुनने में लगता है कि जी दांतों का मसला, लेकिन जिसको होता है, जिस पे बीतती है, उसी को पता चलता है कि कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी होती है. बिल्कुल ऐसे ही है. सबसे पहले तो बेसिक सवाल कि दांतों की कितनी किस्म की बीमारियां होती हैं और क्या रीजंस हैं कि हमारे दांतों में प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं. थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पे बात करने के लिए. तो दांतों की बीमारियों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. अच्छा. एक हार्ड टिश्यूज, एक सॉफ्ट टिश्यूज. ओके. हार्ड टिश्यूज में आपके टीथ आ जाएंगे और सॉफ्ट टिश्यूज में आपके गम्स आ जाएंगे. तो हार्ड टिश्यू से स्टार्ट करते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है. सबसे पहले हार्ड टिश्यू में जब पेशेंट को इश्यू होता है तो वो हमारे पास सेंसिटिविटी के साथ आते हैं. अच्छा. फिर उसके बाद होती हैं कि कैविटी बन गई है, होल बन गया है, इसमें कोई चीज़ फंस रही है, तो वो केरीज होती है जो एक्सटेंड की होती है. ठीक है. कोई सेंसिटिविटी से स्टार्ट हुआ, आपके दांत ने आपको सिग्नल दिया कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग. ठीक है. आपने केयर नहीं की, आपने कहा ठीक है हो जाएगा. और जब वो कैविटीज़ बन जाती हैं तब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कंप्लेन के साथ. फिर उसमें डिफरेंट मैनेजमेंट्स हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कितना डैमेज है, कितना उसको हमने किस तरह से प्रॉपर डील करना है, ये डेंटिस्ट ही आपको बता सकते हैं, प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं क्लिनिकल सेटअप. ओके. अच्छा, अगर हम बिल्कुल ही स्टार्ट पे, आगाज़ पे अगर चले जाएँ कि क्या ऐसी प्रिकॉशनी मेजर्स हमें लेने चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जनरेट ही ना हो, हमारे दांतों में कोई परेशानी, कोई बायस ना बने किसी चीज़ की कि हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़े या उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पड़े, तो वो क्या होगा? देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. राइट. तो आप सबसे पहले ये है कि जो मोस्ट कॉमन जो ओरल हाइजीन प्रैक्टिस है उसमें दो चीज़ें आप मस्ट जहन में रखें. एक तो आपने जो है ब्रश करें ट्वाइस अ डे, आपने नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना है. कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं. अच्छा. जब आपको रात को सोने से पहले आपने ब्रश कर लिया, आप तो सो गए, ठीक है, आपके मुँह में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो नहीं है. ठीक है. जब आप सुबह नाश्ते के बाद आपको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि आपकी फूड आपने ली है वो जो है बैक्टीरिया उसे डैमेज करेंगे या एसिड प्रोडक्शन होगी, तो वो आपको नाश्ते के बाद, इसकी लॉजिक ये है कि आपको नाश्ते के बाद ब्रश करना चाहिए. अच्छा. असल में लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं तो स्मेल मुंह से आ रही होती है, तो फिर उसी के साथ अगर हम खाना खा लेंगे तो वो एक अनहाइजीनिक वाली फीलिंग आ जाती है. तो आई थिंक इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप जो है कुल्ली कर लें. ठीक है. आप पानी के साथ, लेकिन ब्रशिंग आफ्टर हैविंग एनी मील, ब्रेकफास्ट करें. ओके. वेल, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट हमें मिल गया, क्योंकि अक्सर और बेशतर लोगों को मैंने यही देखा है. इनफैक्ट हमारे घर में भी यही होता है कि सुबह उठते के साथ ही हम बच्चों को या खुद भी सबसे पहले ब्रश की तरफ जाते हैं और उसके बाद ही हम कुछ खाने पीने की तरफ जाते हैं. वो जरूरत नहीं होती, लेकिन एक कॉमन ट्रेंड है जिस तरह चल रहा है तो वो लोग फॉलो करते हैं उसे. अच्छा, अब ये तो आपने प्रिवेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट बता दी. अब अगर खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो गई हैं दांतों में, तो उनका क्योर किस तरह से हो सकता है? हर चीज़ का मुख्तलिफ क्योर है या एक ही चीज़ को आप रखेंगे क्योर के हिसाब से और वो आपके दांतों को सेफ रखेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपने केयर करनी है. ठीक है. जिस तरह आपने प्रिवेंटिव मेजर्स हमने बता दी, आप टूथब्रश करें ट्वाइस अ डे, फ्लॉस करें, अपनी ओरल हाइजीन को अच्छा रखें, शुगरी चीज़ें जो होती हैं, शुगरी फूड्स या स्नैक्स, इनको अवॉइड करें. अच्छा. कैल्शियम सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में मस्ट लें. अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते, आप दूध लें जो कैल्शियम फूड है, लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है. साथ में मिल्क आप अपनी डाइट में कंटिन्यू रखें. इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी और ओवरऑल हेल्थ पे भी. और कैल्शियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ओके. ओके. अच्छा, अगर हम ये बात करें कि जो वर्स्ट कंडीशंस होती हैं जिसमें हम उन तरफ आ जाते हैं कि जी अब सर्जरी करवानी पड़ेगी या दांत निकलवाना पड़ेगा, वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं?
मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरह पेशेंट हमारे पास आते हैं, अगर कैविटीज़ हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड की हुई नहीं है तो फिलिंग तो हो सकती है, उसमें रूट कैनाल कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज है जिसको हम BDRs बोलते हैं, तो वो रहेगी कंडीशन तो उसमें तो आप एक्सट्रैक्शन की तरफ ही जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपके करेक्टिव प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिसमें अगर आपने हमें इम्प्लांट लगवाना है इम्प्लांट लगवा लें, या आप ब्रिजेस लगवाते हैं, ठीक है, ये तो करेक्टिव प्रोसीजर्स हो गए, लेकिन बेहतर ये है कि आप प्रिवेंट कर लें, आप अपने नेचुरल दांत को सेव करें कंपैरेटिवली कि आप करेक्टिव प्रोसीजर्स की तरफ जाएं। सही, वो आपके एक्सपेंसिव भी काफ़ी होते हैं। ओह यस। अच्छा, अगर इस तरह की सिचुएशन चले पड़ गई कि अब हमें इन सर्जरीज की तरफ या एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ गया, उसके बाद के साइड इफेक्ट्स भी कुछ होते हैं कि आपको जैसे होता है ना दांत का कमजोर हमेशा के लिए हो जाना और तकलीफ आपको हमेशा रहना, एक चुभन एक महसूस होना, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से अगर आपने कोई और चीज कर ली है वो नहीं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, इसमें आपको एक नेचुरल दांत की फीलिंग होती है वो आपको कभी नहीं आएगी। हाँ, वो आप मिस कर जाएंगे। right. वो जिस तरह आप बाइट करते हैं, बाइटिंग पे आपको एक नेचुरल फीलिंग आती है, रूट जो आपकी एक्सपोज करती है बोन में होती है उनकी तरफ से होती है, वो आपको नहीं होगी। आप भले ही आप ब्रिज लगवा रहे हैं, इम्प्लांट में भी इवन नहीं है, फिर बाद में इशू ये होता है कि कोई भी प्रोसेसेस है उसका जो टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम 10-12 ईयर्स होता है। अच्छा। उसमें भी दरमियान में इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आपने ब्रिज लगवाया वो डिबॉन्ड कर जाए जो आपने आर्टिफिशियल टीथ लगवाया, या इम्प्लांट में भी इशू आता है कि इम्प्लांट में भी जो स्क्रूज होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, विद टाइम आपको टाइटनिंग करवानी पड़ती है। तो ये साथ साथ आपका ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है आपके लिए फॉर लाइफ टाइम, आपके लिए ये जो आर्टिफिशियल मतलब वही वाली बात है, कम्फर्ट जोन आपको सिर्फ आपका ओरिजिनल दांत ही दे सकता है। बिल्कुल। अक्सर ये भी होता है ना कि जैसे लोगों के ब्रेसेस लग रहे होते हैं और ब्रेसेस की वजह से आपके पास गैप नहीं है, तो आपको दांत निकालने सही दांत प्रॉपर जो ग्रोथ वाले होते हैं वो आपको निकालने पड़ जाते हैं। तो उसके बाद भी मैंने ये देखा है कि जो एक वो स्ट्रेंथ होती है ना आपके दांतों की और वो जो एक पकड़ने की जो ताकत होती है वो कम पड़ हो वो जाती कम पड़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। सही कह रही हैं आप, जो कोई भी आप सर्जिकल प्रोसीजर या आप करेक्टिव प्रोसीजर करवाएंगी उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स तो होंगे ना। तो ये है कि बेहतर है, ट्रीटमेंट तो बेहतर है इससे कि कंपैरेटिवली आप बिल्कुल ही एंड की तरफ चले जाएं कि आप कुछ भी प्रोसीजर ना करवाएं, उससे बेहतर आप करेक्टिव प्रोसीजर करवा लें अगर आपके डैमेज हो गए, लेकिन इन फ्यूचर उसका ख्याल रखें। सही। अच्छा, अक्सर लोगों की शिकायत भी होती है ठंडा और गर्म दोनों लगता है दांत में और एक वो टीस सी जैसे नहीं होती महसूस होती है, वो क्या वजह होती है? वो मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि वो एक दांत का सिग्नल होता है जो आपको दे रहा है दांत। अच्छा। अपना सिग्नल कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप केयर नहीं कर रहे। हाँ। तो वो एक कोट है, टेक केयर ऑफ योर टीथ, दे विल टेक केयर ऑफ यू। ये जब आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे वो डैमेज हो जाएंगे, फिर एट द एंड आपको वही प्रोसीजर्स करवाने पड़ेंगे। सही। तो ये है कि आप शुरू में थोड़ा सा आप अगर सेंसिटिविटी हो रही है तो उसकी रीज़न ये होगी, या तो आप चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीज़ें ज़्यादा होगा, एक्सेसिव यूज़ होगा, इसकी वजह से आपकी हो जाती है। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ भी होती है कि अक्सर जो एजड लोग होते हैं उनके अंदर या किसी की आदत होती है दांत घिसने की, इस तरह से यूं करने की या वो चबाने की, उससे दांत घिसना शुरू हो जाते हैं और उनकी मेरे ख्याल से जो वो है ना ताकत, वो मुझे लगता है कि कम हो जाती है या उनका साइज कम हो जाता है, तो फिर उसके साथ क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, ये सही कंडीशन है जिसको ब्रुक्सिज्म बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज में हो, ये किसी भी एज में हो सकती है, ये इवन जो है बच्चे जो होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है। एक तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से भी आपको हो जाती है, कुछ पेशेंट्स में विदाउट स्ट्रेस भी होती है, एक हैबिट बन जाती है, तो उसके लिए बेहतर ये होता है आप वो हैबिट ब्रेकर इनिशियली आप उसको यूज़ करें। हमारे पास आते हैं जब इस पे कंप्लेंट के साथ पेशेंट, तो हम उनको नाइट गार्ड लगा देते हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो हैबिट होती है ये आपको मोस्टली रात के टाइम ये इशू रहता है। ओके। कि रात के टाइम पेशेंट की ना वो दांत जो है बाइट करने की, अब पेशेंट को खुद नहीं पता होता। आप यकीन करें मेरा बेटा छोटा है 4 साल का, वो रात को सोते हुए यूं ये दौड़-दौड़ मचल रहा था, मैं उसके गाल पे मारती हूँ। अच्छा। सोते सोते में कर रहा होता है और मैं, देखिए आप बेटे से पूछेंगे उसे नहीं आइडिया होगा, उसे नहीं, वो सो रहा है और वो अपने मुझे आवाज आती है ना तो मैं एकदम से अलर्ट हो जाती हूँ कि क्या हो रहा है, इसके दांतों में इरिटेशन तो नहीं हो रही, क्या मसला है, कोई चीज फंस तो नहीं गई, तो मैं चेक करती हूँ लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल से कोई हैबिट है। ये हैबिट भी है और इसके बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको हैबिट ब्रेकर दें। ठीक है, हैबिट ब्रेकर वो नॉट गार्ड,
नहीं, आप रात को सोते हुए वो पहनाएं, प्लास्टिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, अच्छा। वो इंस्ट्रूमेंट सॉरी कर रही हूँ, प्लास्टिक टाइप अप्लायंस होता है, ठीक है, जिसको आपने रात को पहन के सोते हैं, की होती है, हाँ, एक कैप की तरह आपके दांतों को फुली कवर कर लेता है, तो जब आप आपस में दांतों को बाइट करते हैं तो वो दरमियान में आ जाता है, तो फिर आपके दांत जो होते हैं ना, जिस तरह आपके दिए घिस जाते हैं वैसे घिसते नहीं। और अगर कुछ लोगों के घिस गए हो दांत, अब उनके साथ क्या किया जाए? उनके लिए तो फिर कैपिंग फायदा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ऑलरेडी तो उन्होंने अपने दांतों को डैमेज कर लिया है। प्रिवेंशन की तरफ तो आप पहले जाएं कि आप उसको हैबिट को ही ब्रेक कर दें, ठीक है, हैबिट ब्रेकर लगा दें। अगर लेट सपोज हो गया है, ठीक है, तो जो है ये हैबिट ही है, जो बेसिकली कुछ टाइम आप हैबिट ब्रेकर यूज़ करेंगे उससे ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, या अंडरलेइंग काज को आप आइडेंटिफाई करें किस वजह से कर रहा है, ठीक है, अगर स्ट्रेस फैक्टर है आपका कोई तो वो उसको कम करें, ठीक है, या उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, तो अगर हो जाती है उसके बाद कैपिंग की तरफ आप जा अच्छा, सकते हैं। अच्छा अच्छा। और अक्सर लोगों का ये भी देखा है कि दांत चिप हो जाते हैं, तो वो चिप भी कैविटी की वजह से होते हैं? वो आपकी डाइट में हो सकता है, ठीक है, इसके तीन चार काजेज हैं, या तो आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, आप ख्याल नहीं रख रहे, दूसरा ये हो सकता है आपके डाइटरी जो है इनटेक जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, आप कैल्शियम आपकी इनटेक कम है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चिप ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों का ये भी होता है एक इशू कि उनके दांत टेढ़े मेढ़े हुए हुए होते हैं, बचपन में बिल्कुल सही अच्छे सीधे होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब बड़े होते हैं तो उनके दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो क्या कॉज होती है? उसमें भी बहुत सारे काजेज हैं, उसमें से एक जो है कि अगर आपके पेरेंट्स के दांत टेढ़े हैं, और अगर ना हो तो? अगर नहीं है तो, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, okay. अगर टेढ़े हैं उनके तो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम ये है कि आपके बच्चे के भी होंगे, ठीक है, या तो बच्चे शुरू में जो होते हैं उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे थम सकिंग अगर आपकी 4 ईयर से ज़्यादा आपके बच्चे की थम सकिंग, तो उसको मेलानाइनमेंट होगी, ठीक है, तो उसके लिए फिर डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, तो ये है कि इसको जितना मेल अलाइनमेंट के डिफरेंट काजेज आते हैं, या आपका जा साइज छोटा है, या आपके दांतों के अपनी एक्सट्रैक्शन, जिस तरह आपके दूध के दांत है आपने उनका ख्याल नहीं रखा, वो वक्त से पहले गिर गए, उसकी वजह से भी मेल अलाइनमेंट होती है। अच्छा, और रूट कनाल और फिलिंग की किस वक्त ज़रूरत पड़ती है कि आप लोग रिकमेंड करते हैं कि अब इसके बगैर जो है नहीं गुजारा हो सकता? रूट कनाल की इरिवर्सिबल पर्फाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें आप पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, फिर भी आपका पेन रिलीव नहीं हो रहा, तब आप रूट कैनाल की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसमें पल्प आपकी डैमेज हो चुकी है, अब आपने उस पल्प को रिमूव करना है, उसकी जगह आपने फिलिंग डालनी है, ठीक है, और ऊपर आप कैप करें या फिलिंग की आप पे डिपेंड करता है। अगर वो रूट कनाल आपकी हो और उसके बाद कैपिंग आप ना करवाएं तो फिर भी आपका दांत डैमेज होता है? बिल्कुल, दोबारा देखें सलाइवा के जरिए आपके बैक्टीरिया की एंट्री होती है, दोबारा इन्फेक्शन का खतरा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका दांत ही डैमेज हो जाता है, आपको मस्ट करवाना चाहिए कैपिंग या फिलिंग उसके ऊपर। अच्छा, अक्सर लोगों का, मैंने अभी स्टार्ट पे भी बात की थी कि लोग खुद घर में डॉक्टर्स बन जाते हैं, देसी टोटकों पे आ जाते हैं, कोई लॉन्ग रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या ये ठीक रहता है कि अगर आप फर्स्ट एड के तौर पर अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें टाइम बीइंग के लिए, कि जब आप समझें कि ये वाला वक्त ऐसा है कि इस वक्त हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो क्या ये चीज़ें ठीक रहती हैं? मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हम लॉन्ग यूज़ करते हैं तो उससे फॉर टाइम बीइंग रिलीव हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है आप जो लॉन्ग ले रहे हैं वो इन्फेक्टेड हो, आपके हाथ इन्फेक्टेड हैं, आपने उसको डाला, इन्फ्लेमेशन हो जाती है गम्स में, पेशेंट की जो थोड़ी बहुत कैविटी बनी होती है उसको पुश करने की कोशिश करते हैं दांत में, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोशिश करें ना करें, ठीक है, और वक्ती तौर पर अगर आपको अगर दर्द है आप डॉक्टर के पास नहीं विजिट कर रहे, जिस तरह कोरोना में मोस्टली पेशेंट जो है ना ट्राई कर रहे थे कि घर में ही रहें, डेंटिस्ट के पास ना जाएं, तो ऐसी सिचुएशन हो उसमें आप ये करें पेन किलर ले लें या जिससे आपको वक्ती तौर पर आराम हो, बाद में आप अपना ट्रीटमेंट मस्ट करवाएं। हाँ, क्योंकि जाहिर है जो रूट कनाल या फिलिंग हो गई या उसका चेकअप हो गया, वो जो आपने ब्रेस वो बोली कैपिंग, वो तो जाहिर है डेंटिस्ट के पास ही जाके हो सकता है, वो इन चीज़ों से तो उसका हल नहीं निकल कर आता। ये हमारे पास पेशेंट्स इस तरह के भी आते हैं जो डिफरेंट खवातीन स्पेशली जो ब्लीचिंग के लिए ट्राई करती हैं डिफरेंट एसिड्स, इवन कि यार इससे दांत वाइट होते हैं। ये आजकल कितना बड़ा चला हुआ है कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म की घरेलू टोटके आ रहे होते हैं कि जी दांतों को सफेद करें, वाइट सोडा यूज करें, उसे ये
ऐसी चीजें बिल्कुल भी आपकी दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह है, सबसे आपके गम्स के लिए भी। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी स्वेलिंग हुई होती है गम्स में, इतनी रेडनेस होती है, और पूछा तो क्या यूज किया, जी सोडा यूज कर रहे हैं। मैं वही उसी बात पे आ रही थी कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मसूड़े सूज जाते हैं, देन उनसे खून आना शुरू हो जाता है। तो वो यही, और अगर वो ये चीजें ना कर रहे हो और फिर भी आ रहा हो ये, तो वो एक आपकी गम्स की, मैंने शुरू में बताया था कि सॉफ्ट टिश्यू डिजीजेज है, ठीक है, आपका कैलकुलस बहुत ज्यादा जमा हो गया है, अगर आप उसको रिमूव करके प्रॉपर अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखते हैं तो आपको ये कभी इशू नहीं होता। यानी ब्रशिंग टेक्निक्स आपकी प्रॉपर हैं, आप फ्लॉसिंग रेगुलरली कर रहे हैं, तो ये इश्यूज नहीं होते। ठीक, अगर आपके सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, हार्ड टिश्यू डैमेज है, तो उसके साथ सॉफ्ट टिश्यू भी आपके डैमेज होने का मैक्सिमम चांस होता है। अच्छा, आपने दोनों की केयर करनी। ओके, अच्छा एक और चीज भी होती है, अक्सर यंग बच्चों के अंदर देखा जाता है, जो बच्चे जिनके अभी दांत नहीं निकले और उनकी निकलना जब शुरू होते हैं तो वो ब्लैक टीथ्स नजर निकलना शुरू होते हैं और अजीब उनकी वो कंडीशन हो जाती है, वो क्या वजह होती है? वो ये होता है कि प्रेगनेंसी में जिस तरह मदर ने कोई इस तरह की मेडिसिन ले ली, उसकी वजह से भी हो सकते हैं, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जब प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन ले देते हैं, जिस तरह हम फ्लैजल का कह दें, या आपकी फ्लोराइड जो है, आपने फ्लोरोसिस एक कंडीशन है जिसमें आपका फ्लोराइड इनटेक ज़्यादा है मदर का, तो उस कंडीशन में भी इस तरह की होते हैं कि आपके डेसिडियस टूथ जो आते हैं, दूध के दांत जो आते हैं, उनमें ये बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ओके, चलें ये तो हमें सारी चीज़ें पता चल गई, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें दांत ब्रश करने पड़ेंगे। बिल्कुल, ब्रश करने हैं, फ्लॉस करने हैं, और आप, मैंने बताया कि आप अपने दांतों का ख्याल रखेंगे तो ये है कि वो ज़्यादा टाइम चलेंगे और ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। एग्जैक्टली, और ये आपको अच्छे से पता है कि ये सबसे खूबसूरत आपकी जो एक्सपोज होने वाली चीज़ें वो आपके दांत होते हैं। आप नहीं सकते, बोलना है, हंसना है, हर चीज में आपके दांत ही प्रोमिनेंट होते हैं, तो उनका ख्याल रखेंगे तो फिर सोच लें वो आपको आप कैसा लोगों से ख्याल मिलते रखेंगे। सबसे पहले जो आपके फेस पे चीज नोट की जाती है वो आपकी आपके दांत है। Exactly, और स्माइल के थ्रू आपके दांत आपका एक दांत भी मिस हो, आपकी स्माइल वो एक डेफिशिएंसी नजर आती है, तो आपने उस स्माइल को सेव करना है। बिल्कुल, और कुछ लोगों की जो आदत होती है थंब सकिंग की, या फिर अपने मसूड़ों को वो स्क्रैच करने की, टूथपिक यूज करने की, और वो मुख्तलिफ किस्म की अगर कोई चीज फंस गई है तो उसको निकालने के लिए आप सारी जान लगा देते हैं, नेल्स इवन तक उसमें करते हैं, तो वो इन्फेक्शियस भी हो सकता है, वो पॉकेट बनाता है और वो बहुत पेनफुल होता है, उसको आपने अवॉइड करना है। आपको कोई चीज दांतों में फंस जाती है, आप उसके लिए फ्लॉस यूज करें, तो फ्लॉस सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वेलकम, एंड आई होप कि हमारा जो डिस्कशन रहा है हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छे से समझ में आए, और दांतों का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आई नो कि हमारे यहाँ तो इस चीज़ को हमारे दीन में बताया गया है कि सफाई नस्फ ईमान है, और जब हम पांच वक्त का वुजू करते हैं तो उस दौरान ही हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि फिर भी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एहतियात करनी पड़ती है ताकि अपने दांतों का हम ख्याल रख सकें। और बहुत ही आसान इसका सोल्यूशन है बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर रहने का, कि आप ट्वाइस अ डे ब्रश ज़रूर करें और अपने बच्चों को भी इसी चीज़ की ताकीद दें।